SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव के संकेत देने के बाद से ही दलित संगठनों का लगातार विरोध जारी है। देश के कई राज्यों में आंदोलन के उग्र हो जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जबकि कई जगह प्रदर्शन ने हिंसक मोड़ ले लिया है। वहीं सिर्फ मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में दलितों के भारत बंद आंदोलन के उग्र हो जाने की वजह से सरकार ने कई शहरों में सभी तरह की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हिंसा की आग ग्वालियर, मुरैना, सागर, भिंड समेत प्रदेश के कई जिलों में फैल गई है। वहीं भिंड मुरैना में लोग खुलेआम सड़कों पर हथियार लहराते नजर आए, जबकि भड़की हिंसा से 2 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद से कई शहरों में धारा 144 भी लगाई है। मामले की संजीदगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई शहरों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की है। वहीं सागर में बंद के दौरान कांग्रेस पार्षद पर पुलिस ने भड़काऊ राजनीति करने के आरोप में लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही सागर शहर में आने वाली यात्री बसों को नगर की सीमा से बाहर रोका गया है, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में बंद का मिलाजुला असर दिखाई दिया। भोपाल से सुरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।